जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, शुक्र भौतिकता का प्रतीक है। भौतिकता जिसमें सारी ही चीजें आ सकती हैं जो आप देखते हैं, सुंदरता, गाड़ी, बंगले, अच्छा भवन, अच्छा निवास, खान पान, अच्छी नौकरी, ठाट माट, एक ऐसी पर्सनालिटी के जहां व्यक्ति जाकर के खड़ा हो जाए, जिस किसी भी व्यक्ति पर शुक्र प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति की आभा ही अलग होती है। वो व्यक्ति आकर्षक होता है, चुंबक की तरह लोगों को अपने में खींचता है। तो यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रभावित रहें, आपकी बातें मानते रहें, और पैसा और भौतिक सुख आपके दूसरे हाथों में खेलता रहे, तो आपको शुक्र का उपाय करना चाहिए कि जिससे आप पर शुक्र प्रसन्न हो। और जिस किसी भी व्यक्ति पर शुक्र प्रसन्न होते हैं उसकी लीला लहर रहती है, जीवन भर वह व्यक्ति सुख सुविधाओं से भरपूर रहता है। आजीवन वो एकदम आकर्षण का केंद्र बना रहता है, लोग उसके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, जहां जाता है उसके आसपास भीड़ लग जाती है। आपने देखा होगा फिल्मी सितारों को, जो फेमस लोग हैं, इन सबके शुक्र काफी मजबूत होते हैं, लोग इनके आसपास घूमते रहते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका भी ऐसा ही एक व्यक्तित्व बने और साथ ही साथ आप भौतिक सुख संपदाओं को भी पाएं, तो आपको शुक्र का उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेजी से पहुंचेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बताता हूं वो उपाय कि जिससे आपका व्यक्तित्व तो निखर के आएगा ही आएगा, आकर्षक बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ भौतिक सुख संपदा के भी आप मालिक बनेंगे। आपको हर सुख को भोग पाएंगे जिसकी व्यक्ति कामना करता है, जो वो चाहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी के पात्र में शहद ले लेना है। मिट्टी के पात्र में आप शहद ले लें और सवेरे जब आप उठते हैं तो उठते के साथ तुरंत ये जो शहद का बर्तन है इसमें अपने मुख को देखें, अपने चेहरे को इसमें देखें और ओम शुक्राय नमः जितनी बार हो सके बोलें, 3 दफे, 5 दफे, 7 दफे, 9 दफे, 11 दफे, जितना मन करे आप अपने चेहरे को देखते हुए ओम शुक्राय नमः ऐसा बोले। इसके बाद स्नान आदि जब आप कर्म से निवृत्त हो जाए तो इसकी 3 बूंदे अपने जीभ में रखें, कुछ भी खाए पिए बिना 3 बूंदे आप अपनी जीभ में रखें और ओम शुक्राय नमः हर दफे बोलते हुए करें। हो सके तो शुक्रवार से इसको प्रारंभ करें, ऐसे आप कभी भी कर सकते हैं, कोई भी दिन से इसको प्रारंभ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसका आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, कुछ ही दिन में आपकी सुंदरता भी बढ़ने लग जाएगी, आपके कामकाज भी अच्छे चलने लग जाएंगे, लोग आपकी बातें भी मानने लग जाएंगे, आपके इर्द गिर्द घूमने लग जाएंगे, आप लोगों के सेंटर में आ जाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि पैसा टका आपके पास में हो, भौतिक सुख संपदा आपके पास में हो और आप आकर्षण का केंद्र बने रहे, तो बहुत ही आसान उपाय है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बड़ी आसानी से कर सकता है। शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करें, नहीं कर सकते हैं किसी भी दिन से करें, उतना ही लाभ देगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।